आप बोलिए सर. एक्चुअली मेरा बचपन से ही ड्रीम था कि मैं अपना ओन बिजनेस स्टार्ट करूं, बट मेरे पास कैपिटल नहीं था मेरा बिजनेस करने के लिए. देन मैं दुबई गया अपना बिजनेस के लिए पैसे इकट्ठे करने. मैं वहाँ पे गया था, सिर्फ मेरा माइंड सेट ये था कि मैं कुछ अर्निंग करूं, देन इंडिया आके अपना बिजनेस स्टार्ट करूं. बट वहाँ पे मुझे इतना अच्छी प्रोग्रेस मिली. मैं 4 साल रहा, एक ट्रिप की, देन अगेन मैं गया वहाँ पे. इतना अच्छा सब कुछ मुझे मिला, अच्छी सैलरी, सब चीज़ अच्छा था, बट फिर भी माइंड में वही था कि इंडिया आके बिजनेस करना है. लाइक अंबानी, अभी मैं 5 महीने पहले इंडिया आया दुबई से, तो मेरी और इंक्रीमेंट कर रहे थे जो मेरे बॉस थे. बट अभी मैंने स्टेप लिया, नहीं अगर अभी नहीं कर पाया तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगा. बट अभी यहाँ पे बिजनेस जो स्टार्ट किया है, इसमें कभी कभी ऐसा फील होता है कि वो ऑप्शन ज़्यादा बेटर था. इन्होंने एक बड़ी कमाल की बात बोली, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो, कि इन्होंने जॉब को छोड़ा और अपना बिजनेस स्टार्ट किया. अब इनको ये लग रहा है कि यार वो जॉब ही अच्छी थी मान लो, या उस जॉब में भी प्रोग्रेस की कोई कमी नहीं है, वहाँ पर भी हम आगे बढ़ सकते थे. तो अब ध्यान से समझना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मेन पर्पस क्या है? क्या ये है कि हम ये छोड़ करके वो करें? क्योंकि जो भी करोगे उसके भी अपने प्लस माइनस होंगे. क्योंकि जब तक कोई चीज़, जैसे बोलते नहीं कहावत नहीं, दूर के ढोर, तो दूर से बड़ा अच्छा लग रहा था बिजनेस बिजनेस, कि मैं बिजनेस करूंगा, मैं ये मैं वो. जब जाते हैं वो करते हैं प्रैक्टिकली, तब हमें समझ आता है कि वो मेरे लिए है या नहीं है. तब ये भी समझ आ जाता है कि जो हम पहले कर रहे थे वो मेरे लिए है या नहीं है. तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब ये है कि एटलीस्ट जो भी आप रिस्क लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, अभी टाइम है आप लोगों के पास में, लो तो सही. अब इन्होंने रिस्क लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से निकलोगे तो बिजनेस आप करोगे तो उसमें सक्सेसफुल होना है. नहीं, कंफर्ट जोन से निकलने का मतलब यह है कि एटलीस्ट अब आप वहां से बाहर निकले, आपने बिजनेस ट्राई किया, हो सकता है वो बिजनेस चले, हो सकता है ना चले, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स. नहीं भी चले, अगर आप वापस से वहां भी गए जहां पर आप पहले थे, तो एटलीस्ट आपके अंदर से जिंदगी भर के लिए रिग्रेट निकल गई. ये रिग्रेट तो गया ना हमारे अंदर से हमेशा के लिए कि मैंने ट्राई नहीं किया. ये इंपॉर्टेंट है लाइफ में. उसके बाद अगर आप वहां वापस भी जाओगे तो आप नोट करोगे, आप पहले से बहुत ज्यादा अच्छे से काम को करोगे. और माइंड में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था कि ये करूं या ये करूं, वो हमेशा के लिए निकल गया, खत्म. क्योंकि कोई भी चीज करके ही समझ आती है, बिना करे नहीं समझ आती. मैं आपको, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ में है. आई विश फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि जो आप कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिले. 0.1% ना भी मिले बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स, और आप वापस भी जाओ तो अब एटलीस्ट वहां पर, जहां भी आप जाओ वहां पर खुश रहो. लाइफ में ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अभी भी ये चीज़ बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है. जैसे कंटिन्यू उधर की जो कंपनीज थी, वहां पे जो मेरा लिंक था, आई वॉज इन सेल्स, तो अभी भी ऑफर्स आते हैं तब माइंड बहुत डगमगा जाता है कि क्या करना चाहिए. और वो इसीलिए ऑफर्स आ रहे हैं क्योंकि वहां पर आपने बहुत अच्छे से काम किया. बिकॉज आई नो द टू लैंग्वेजेस, ईरानियन एंड अरेबिक, दैट्स व्हाई. मतलब अगर इसको सिंपल वे में देखा जाए तो यू वर एन एसेट टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर आप काम कर रहे थे, है ना? Yes. उनके लिए आपकी वैल्यू है. Yes. अगर नहीं होती तो ऑफर्स भी नहीं देते. तो इसका मतलब वो तो दरवाजा आपके लिए खुला ही है. तो अब आप अपना एक माइंड मेकअप कर सकते हो कि मेरे को अगले 1 साल तक लग करके उसके ऊपर एक्ट करना है, और फिर 1 साल बाद देखना है कि इसमें से क्या निकल करके आ रहा है. अगर तो कुछ निकल के आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आई विल गो बैक देयर. बट यू मस्ट गिव इट अ शॉट, क्योंकि बिना दिए वो समझ नहीं आता. इससे आपको भी आंसर मिला अभी, कि अभी आप कह रहे हो कि जहां पे मैं काम कर रहा हूं वहां पे पैकेज भी इतना तगड़ा नहीं है और फ्यूचर भी इतना स्कोप नजर नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट आपने अपने एंड पे कुछ करने की कोशिश करी. ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, पेरेंट्स ने कुछ टाइम तक बोला, वो तो अभी भी बोल ही रहे होंगे किसी ना किसी बात पे. बाद में भी क्या बोलेंगे ही, क्या बोल रहे होंगे, अभी ये बोल रहे होंगे कि तेरा भाई देख, तू खुद को देख, ये वो, तब भी तो यही बोलेंगे, इससे ज्यादा क्या बोलेंगे. सोचने वाली बात है. हम बस कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम्स को ओवर एस्टिमेट कर रहे होते हैं अपने माइंड में.